नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर 24 न्यूज। मैं हूं आप साथ शिखा। ये रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। लैलूंगा में राइस मिल के पास 23 सितंबर 2023 को शाम लगभग 8 बजे की घटना है, जिसमें युवक राम प्रसाद भगत उम्र 48 वर्ष जिसके अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद ही वाहन चालक फरार हो गया। इस घटना के बाद मृतक के परिजन और ग्रामीणों द्वारा आक्रोश में आकर चक्का जाम शुरू किया गया। उक्त घटना के बाद ग्रामीणों द्वारा चक्का जाम करने से पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन ग्रामीणों की मांग थी कि छत्तीसगढ़ सरकार मृतक के परिवार को 5 लाख की मुआवजा दे, तब जाकर यह चक्का जाम खत्म होगा। आइए देखते हैं उक्त घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत जी क्या कहते हैं। आज एक छत्तीसगढ़िया गरीब आदिवासी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई है। हम उनको उचित मुआवजा राशि दिलाने की मांग को लेकर बैठे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के सम्माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी उत्तर प्रदेश में जाकर इसी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुए लोगों को 50-50 लाख रुपया मुआवजा राशि देते हैं। हमारी मांग है कि कम से कम भूपेश बघेल जी सामने आके ट्वीट करके, चाहे अपने विधायक के माध्यम से, जिस भी माध्यम से, 5 लाख रुपया मुआवजा राशि दें। इस मांग को लेकर हम वहाँ बैठे हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हम इस प्रकार से बैठे हैं। मृतक कहाँ के रहने वाले? मृतक हुसरमुड़ा के हैं, मेरे मामा के लड़के हैं, मेरे बड़े भैया हैं। कब से आप लोग चक्का जाम किए हुए हैं? हम अभी लगभग 3 घंटे हो चुके हैं। प्रशासन की ओर से किसी प्रकार का कोई ठोस जवाब नहीं आ रहा है। हम कहना चाहेंगे भूपेश बघेल जी से कि छत्तीसगढ़ के आदमी भी आदमी हैं। आप यूपी में जाके बांटते हैं, यहाँ छत्तीसगढ़ के लोगों को भी उचित सम्मान के साथ मुआवजा राशि देना होगा। कितना रुपये मांग? हम भूपेश बघेल जी तो यूपी में 50 लाख जाके दे के आए हैं। हम यहाँ कम से कम एक गरीब छत्तीसगढ़ी आदिवासी के लिए 5 लाख की मांग कर रहे हैं। क्या लगता है घटना के करने वाले वाहनों की पता कुछ खबर हो? अभी सीसीटीवी कैमरा की जांच हो रही है, हमने भी उसमें सहयोग किया है। गाड़ी का पहचान हो रहा है। पुलिस प्रशासन से मैं निवेदन करूंगा कि उसकी भी जल्द जल्द से पकड़ के उसके ऊपर उचित कार्रवाई करें। क्या अभी आप लोग की मांगें पूरी नहीं होती है तो आप लोग इसी तरह बैठे रहेंगे? मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम इसी प्रकार से बैठे रहेंगे और अपनी मांगों को रखते रहेंगे। धर्मेंद्र महंत की रिपोर्ट।